समीर स्टाइल जो है उसके इंस्टाग्राम पे 30 लाख फॉलोअर है। जी हाँ, 30 लाख, 3 मिलियन। हाँ हाँ बे, अंधे नहीं है हम लोग, दिख रहा है उसके 3 मिलियन फॉलोअर्स है, इसलिए तो तू उसको रोस्ट कर रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको एक्सपोज रोस्ट करना चाहिए, लेकिन तू उनको कभी जिंदगी में रोस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई फेम भी तो लेने ना। कम सब्सक्राइबर्स वाला बंदा कुछ गलत यूट्यूब पे वीडियोस भी बना रहा और ये रोस्ट करेगा तो भाई फिर इसको फेम कैसे मिलेगा? समीर स्टाइल उनका कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया था। गंभीर रूप से घायल युवक का नाम समीर स्टाइल है। एंड सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक है, वरना क्या सखिया गाने के 10 मिलियन व्यूज और बढ़ जाते। वह देख रहे हो बंदे को, किसी बंदे का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इन्हें तो बस सो कॉल्ड रोस्ट बनाने से मतलब है। ये वही बंदे होते हैं जो किसी के एक्सीडेंट होने पर हेल्प करने के बजाय फोन उठाकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इन्हें तो बस पैसों से मतलब है। ईशान भाई पूरे टाइम अपनी आंखों में काजल लगाए रहते हैं और मेकअप करके रहते हैं, क्योंकि पता नहीं ना कब किसके घर में बच्चा हो जाए। वो बच्चा कहीं तेरे घर में ही तो नहीं आने वाला है। हाँ सम्राट भाई, सच बताना, फिर तो सम्राट भाई कैमरा लेकर अपना ओपिनियन देते फिरेंगे। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, पता नहीं था बेटा बदनाम करेगा। मजाक सेट के बात कर रहा हूँ, सच में ये कलर्स वाले कैसे कैसे लोगों को अपने शो में बुला लेते हैं। इस चकल का बंदा 2 मिनट अगर मेरे बगल में बैठ जाए ना तो मैं अपना पर्स और मोबाइल चेक करता रहूँ। पर्स और मोबाइल, अभी वो तेरा खानदान खरीद लेगा। और अभी मैं भी बता किसको रहा हूँ, जिसको ये भी नहीं पता होगा कि एक रियलिटी शो की पेमेंट कितनी होती है। बंदर क्या ही जाने आदि का स्वाद। कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना गाइस, उनकी सबसे पहले टेस्टिंग जानवरों पे की जाती है। और अब यार प्लीज, रिस्पेक्ट का मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं ईशान भाई को जानवर बोल रहा हूँ। नहीं, जानवर बिना फिल्टर के भी क्यूट लगते हैं। वाह वाह, क्या लॉजिक है। इस हिसाब से तो इनके मम्मी भी तो उसी जानवर पर टेस्टिंग हुए प्रोडक्ट्स यूज करती होंगी, क्योंकि सिंदूर भी तो कोई खाने की चीज तो है नहीं। हाँ सम्राट भाई, क्या आपकी मम्मी सिंदूर यूज ही नहीं करती? नहीं, सिंदूर भी तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही आती है। अब समझे पहले, ये बंदा बस कैसे भी करके चाहता है कि जो ट्रेंडिंग में है उसे रोस्ट कर दूं ताकि हमें और फेम मिले और ज्ञान। अधिक घंटा का ज्ञान देते हैं इन जैसे लोग। किसी को हेट करने के अलावा भी कुछ करते हैं क्या ये लोग? तो यार आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। तो यार मिलते हैं एक और नए वीडियो में।